बांदा नगर पालिका परिषद के पूरे जनपद में गंदगी का माहौल ना बने, इसीलिए डोर टू डोर पूरे जनपद में 18 ई रिक्शा सफाई कर्मी 2017 में ईओ नगर पालिका के द्वारा भर्ती किए गए। ये सफाई कर्मचारी पूरे जनपद के सभी मोहल्लों में पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन 4 जुलाई 2020 को सभी कर्मियों को सुपरवाइजर ने नौकरी से निकाल दिया। और जब सफाई कर्मियों ने निकालने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सभी कर्मचारी एक साथ होकर अपने जनपद के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? श्रीलाल बोल। कहाँ के रहने वाले हैं? गजनी गांव। क्या काम करते हैं आप अभी? सर रिक्शा कर्मचारी रहे नगर पालिका में। आपकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई थी? हमारी नियुक्ति ईओ साहब के द्वारा। ईओ नगर पालिका बांदा जी। इन्होंने आपकी नियुक्ति कब की थी? वही 17। ऐसा कौन सा आदेश बता के आपको निकाला गया? मालूम नहीं जो सर, हमारा सुपरवाइजर कह रहा था कि 4 तारीख से बैठा लिए। सुपरवाइजर का क्या नाम है? नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा ने आपको किस तारीख को कहा कि आप लोगों को? 4 तारीख। 4 तारीख से आप लोगों की सेवाएं बंद है जी। केपी सागर, कर्मचारी यूनियन का जिला अध्यक्ष। क्या समस्या लेकर गए हैं आप? जी सर, हम ये समस्या लेकर आए हैं कि जो डोर टू डोर रिक्शा चालक जो घर कूड़ा उठाने का काम करते थे, ये सन 2017 से लगातार सन 20 तक करते चले आ रहे हैं। इनको अभी 3-4 तारीख को जो है इनको कार से निकाल दिया गया, जो कि ये देहात के कर्मचारी हैं, देहात के रहने वाले हैं। इन लोगों ने अपने गांव का कार छोड़कर शहर में आके इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, उसी से अपनी जीविका चलाते रहे, अपने परिवार को भरण पोषण करते रहे और अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। आज इनको कार से निकाल दिया गया है, जिससे इनका परिवार भूखमरी का शिकार हो गया और इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई है। इसी तरीके से ये समाज का बच्चा पढ़ लिख कर आगे नहीं पढ़ पाता है। कारण यही है कि शासन प्रशासन भी इनके साथ में। कितने लोगों को कार से निकाला गया? ये 18 लोग हैं जो सन 2007 से लगातार अभी तक कार करके चले आ रहे हैं। आज आप लोग कहाँ हैं? आज हम जिला अधिकारी साहब के यहाँ आए थे कि हम अपनी व्यथा, इन कर्मचारियों की सारी व्यथा बताएंगे और जो भी हमारी पालिका से संबंधित समस्याएँ हैं उनको भी अवगत करा दें। किसने निकाला है इनको? इनको निकालने के लिए तो अभी जो इनके सफाई नायक हैं उनके द्वारा इनको कहा गया है कि आप काम बंद कर दीजिए, लेकिन ये किसके द्वारा किसके आदेशानुसार किया गया है? क्योंकि ईओ साहब से बात होती है तो ईओ साहब कहता है अध्यक्ष से बात करिए, अध्यक्ष से बात करते हैं तो कहते हैं हमने नहीं निकाला, आप ईओ साहब से बात करिए। अब ये गोल मटोल बातें करके जो है इन कर्मचारियों को बरगला रहे हैं और इनके जो है इनके साथ उत्पीड़न और इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ठीक। बांदा से KKD न्यूज़ संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।